आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज की प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस ने निकाली ट्रैक्टर रैली, मंत्री बादल बोले कॉरपोरेट के हाथों में सौंपने के लिए लाया गया है कानून। कांग्रेस आलाकमान कर रहा है झारखंड के मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा, आलमगीर ने सौंपी रिपोर्ट, अब रामेश्वर की बारी। सरना कोड लागू करने की मांग तेज, झारखंड समेत 5 राज्यों में सड़क पर उतरे आदिवासी, पुलिस तैनात। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर तस्करी कर ले जाए जा रहे 2.5 लाख के कछुए जब्त। पीएम मोदी ने मन की बात में झारखंड के डुमरथर विद्यालय के ब्लैक बोर्ड मॉडल की चर्चा की। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस ने रविवार को गोड्डा में ट्रैक्टर रैली निकाली। गोड्डा के कारगिल चौक से देवघर तक यह रैली निकाली गई। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी और पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने संयुक्त रूप से सिद्धो कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रैली की शुरुआत की। मौके पर मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि किसानों को केंद्र सरकार ने छला है, किसानों का ऋण माफ होगा, सुविधा मिलेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार ने जो कहा वो कर दिखाया है, किसानों का ऋण माफ हुआ और आगे भी कई योजनाएं हैं उनके लिए। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि संथाल परगना की धरती सिद्धो कानू जैसे शहीदों की धरती है, यहाँ के किसान और नौजवान लगातार आंदोलन करते रहे हैं। केंद्र सरकार किसानी व्यवस्था चौपट करना चाहती है, किसानों को कॉरपोरेट के हाथों में सौंपने के लिए काला कानून लाया गया है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि किसान को दान नहीं बल्कि दाम चाहिए। गोड्डा के बाद अब जामताड़ा से कचिया और हसुआ रैली निकाली जाएगी। रैली में तकरीबन 300 ट्रैक्टर शामिल थे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नारेबाजी करते चल रहे थे। ट्रैक्टर रैली में शामिल नेताओं को सरकंडा, भटड़ीहा, हरियारी तथा पोड़ैयाहाट बाजार में जगह जगह माला पहनाकर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कांग्रेस आलाकमान झारखंड के कांग्रेसी मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कर रहा है। मंत्रियों से उनके साल भर के कामकाज की रिपोर्ट मांगी गई है। इस आलोक में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने नई दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल को मंत्री के तौर पर 1 साल में किए गए कार्यों की रिपोर्ट सौंप दी है। उन्होंने बजट को लेकर तैयारियों की जानकारी भी साझा की है। झारखंड में सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर कांग्रेस आलाकमान मंत्रियों से रिपोर्ट ले रहा है। आलमगीर के लौटने के बाद एक एक करके दूसरे मंत्री भी नई दिल्ली जाकर रिपोर्ट देंगे। 2 फरवरी को प्रदेश अध्यक्ष सह वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव नई दिल्ली जाकर कांग्रेस नेताओं से मिलेंगे। इस दौरान वे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। इसके बाद बन्ना गुप्ता और बादल दिल्ली जाएंगे। मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि उन्होंने केसी वेणुगोपाल से मिलकर झारखंड के हालात की जानकारी दी और 1 वर्ष में किए गए कार्यों का ब्यौरा भी दिया। उन्होंने बजट को लेकर विभागीय तैयारियों के बारे में भी वेणुगोपाल से चर्चा की और बताया कि अभी तैयारियां प्राथमिक चरण में हैं। आदिवासी संगठनों ने सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। केंद्रीय सरना समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और आदिवासी सेंगेल अभियान ने रविवार को झारखंड समेत 5 राज्यों में रेल रोड चक्का जाम किया। इस दौरान झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में रेल रोड चक्का जाम किया गया है। इस दौरान झारखंड में टाटा नगर, खड़गपुर, रांची, मुरी सेक्शन में कीता, जामताड़ा समेत अन्य रेल मार्गों को बाधित किया। आदिवासी संगठनों ने इस क्रम में रांची मुरी सेक्शन में कीता स्टेशन पर रेल रोका। मौके पर केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि 2021 की जनगणना नजदीक है, मार्च अप्रैल माह में जनगणना होने वाली है। आदिवासी पूरे देश में अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रदर्शन में ललित कच्छप, केंद्रीय सरना समिति के उपाध्यक्ष प्रशांत टोप्पो, प्रमोद एक्का, महिला शाखा अध्यक्ष नीरा टोप्पो, ज्योत्सना भगत, विनय उरांव आदि शामिल थे। कोडरमा जिले में रविवार को आरपीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी। आरपीएफ की टीम ने रेलवे स्टेशन से करीब 2.5 लाख का 115 कछुआ जब्त किया है। बताया जाता है कि आरपीएफ की टीम गश्त पर थी, तभी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 के एक किनारे पर कुछ संदिग्ध बोरे एवं झोले मिले। जांच में इनमें से 115 कछुए निकले। इनकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में रविवार को झारखंड के डुमरथर विद्यालय के ब्लैक बोर्ड मॉडल की चर्चा की। इससे डुमरथर के ग्रामीणों, बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों और जरमुंडी प्रखंड में खुशी का माहौल है। पीएम ने प्रिंसिपल डॉक्टर सपन कुमार की भी चर्चा की।
डॉक्टर सपन कुमार ने ब्लैक बोर्ड आइडिया की चर्चा मन की बात में करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वह काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनका सपना था कि उनके कार्य की जानकारी देश को मिले, आज वह पल आया। डॉक्टर सपन ने कहा कि उनका सपना है कि हर बच्चा पढ़ लिख कर देश का एक अच्छा नागरिक बने, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। आज के प्राइम में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।